हैं, बाद में बड़े बड़े हो जाएंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे देखने में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे आम के बगान हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो ये है मेरे आम के बगान। ये सारे आम के बगान हैं, इसमें मोज़र नहीं दिख रहे हैं, तो मैं छत पे जाऊंगी और आपको मोज़र दिखाऊंगी। इसमें बहुत सारे मोज़र लगे हुए हैं। इसमें छत पे आ गई हूँ और ये देखिए आम पे बहुत सारे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नीतू जीतू ऑफिशियल में और आज के नए व्लॉग में। सो होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने घर का गार्डन दिखाऊंगी और मेरा घर एयरपोर्ट के पीछे है तो मैं एयरपोर्ट भी दिखाऊंगी। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको आज इस वीडियो में दिखाया जाए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। सो अभी तो मेरे घर के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग बिल्कुल फ्री हैं। सो फटाफट से अब मैं रेडी होऊंगी और मुझे जाना है रिलायंस डिजिटल स्टोर। सो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आखिर मैं क्यों गई थी रिलायंस डिजिटल स्टोर। सो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फिर हम लोग फटाफट से सारे घर का काम कंप्लीट किए और इसके बाद मैं और निशा हम दोनों स्टोर रिलायंस स्टोर आ गए, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा काम था तो इसलिए हम लोग फटाफट से रेडी होकर के आ गए हैं। सुबह के टाइम में ही हम लोग आए हुए थे। सो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं निशा फ़ोन पर बात कर रही है, बहुत बदमाश है, सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती है, इसके पास कोई काम नहीं होता है। वैसे काम कंप्लीट करके घर के सारे काम करती है और करने के बाद फ़ोन पे लग जाती है। और आप देख सकते हैं मेकअप वेकअप में पूरा मेकअप में रेडी है। लिपस्टिक दिखाओ थोड़ा नीचे आपने, आ देखो इसके काम यही होता है, पूरा सारा दोपहर सज संवर करके एकदम रेडी होकर के बेचारी अपने काम में लग जाती हूँ। सो गाइस, शाम के 7 बज रहे हैं और मैं अपने छत पर हूँ और ये जितनी लाइटिंग दिख रही है ना, ये कोलकाता एयरपोर्ट का है, क्योंकि हमारे घर के पीछे, मतलब एयरपोर्ट के पीछे ही हमारा घर है। तो मैं छत पे आई थी तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा वीडियो करके आपको दिखाऊं, क्योंकि ये कोलकाता का एयरपोर्ट था, मतलब है, तो कैसा लगता है रात में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देखो मस्त दिखता है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इसका वीडियो आपको दिन में भी दिखाऊंगी, मतलब ऐसा लगता है ना जैसे किसी की बारात आई है, पूरी लाइटिंग लाइटिंग लगी रहती है। सो गाइस, ये घर के पास का एक छोटा सा गार्डन है, मतलब घर के सामने ही बनाया गया है। और मैं इसके साथ आपको आम का पेड़ भी दिखाऊंगी। ये सारे फूल लगे हुए हैं, ये भी काफ़ी छोटे छोटे हैं, बाद में बड़े बड़े हो जाएंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे देखने में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे आम के बगान हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो ये है मेरे आम के बगान। ये सारे आम के बगान हैं, इसमें मोज़र नहीं दिख रहे हैं, तो मैं छत पे जाऊंगी और आपको मोज़र दिखाऊंगी। इसमें बहुत सारे मोज़र लगे हुए हैं। मैं छत पे आ गई हूँ और ये देखिए आम पे बहुत सारे मोज़र लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत इस बार ऐसा लग रहा है बहुत सारा आम आएगा। बोलते हैं इसको छूना नहीं चाहिए, छूने से ये ख़राब हो जाता है, आप देख सकते हो। ये मैं छत पे आके वीडियो बना रही थी, बहुत सुंदर, बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह में भी वीडियो में आपको एयरपोर्ट दिखाऊंगी, तो ये है एयरपोर्ट, काफ़ी बहुत दूर में फैला हुआ है, बहुत दूर में, बहुत बड़ा है। ये कोलकाता का एयरपोर्ट है और हमारे घर के पीछे, इसके पीछे हमारा घर है। जब यहाँ से फ्लाइट वगैरह उड़ता है ना और लैंड करता है तो ऐसा लगता है जैसे सर पर खड़ा था और अब गया है, इतना आवाज़ आता है।
तो गाइस आपको हमारे ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में एक नए वीडियो के साथ, और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।